गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था और ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, मींस रेजिस्टेंस को आपकी कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। रेजिस्टेंस को चार चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहला लेंथ, दूसरा टेम्परेचर, थर्ड नेचर ऑफ मटेरियल एंड फोर क्रॉस सेक्शनल एरिया। मीन्स सबसे पहला जो पॉइंट है आपका लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा होगी यहाँ पर जो आपका रेजिस्टेंस है वो लेंथ के कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स अगर लेंथ आपकी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी आपका कैसा होगा, ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। दूसरा टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से भी आपका रेजिस्टेंस इफेक्ट होता है। थर्ड आपका नेचर ऑफ मटेरियल, जितना बढ़िया क्वालिटी का अगर मटेरियल होगा, मीन्स मटेरियल का नेचर कैसा है। अगर कॉपर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस वैसा होगा, सिल्वर का वायर है तो उसका रेजिस्टेंस उस हिसाब से होगा। ऐसे ही जो मटेरियल होता है मीन्स वायर कंडक्टर आपका किस मटेरियल से बना हुआ है, रेजिस्टेंस आपका इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मीन्स ए मीन्स मोटाई, यानी कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है वो मोटाई पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स कहने का ये है कि अगर एरिया ज़्यादा होगा मीन्स वायर अगर ज़्यादा मोटा होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसलिए आपने लिखा होगा कि पतले वायर में कम करंट फ्लो हो पाता है लेकिन मोटे से मोटे वायर में ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सकता है। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस आपका एरिया क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी का सिंपल सा फॉर्मूला आपका आपने पढ़कर में पढ़ा था, आर प्रोपोर्शनल टू एल, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है आपको लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे एक नंबर पढ़ते रहेंगे और रेजिस्टेंस जो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हम इसे इक्वेशन नंबर सेकंड दे देंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए, जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, रो आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इस साइन को कहते हैं हम रो, और यही हमारी क्या है, रेजिस्टिविटी है। ठीक है, जो हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। क्लियर। सबसे पहले क्या है, हमको ये पता करना है कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड इक्वेशन है रेजिस्टेंस आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हम इन दोनों इक्वेशंस को नंबर दे देंगे, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड। उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का साइन आने पर हमारा रो का साइन आ जाएगा और यही रो हमारी रेजिस्टिविटी कहलाती है। रेजिस्टेंस की तरह रेजिस्टिविटी को भी कुछ चीज़ें इफेक्ट करती है। रेजिस्टेंस को चार चीज़ें इफेक्ट कर रही थी लेकिन हमारे रेजिस्टिविटी को सिर्फ दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पहला है आपका टेम्परेचर और दूसरा है आपका नेचर ऑफ मटेरियल।